हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने सारे पिंजरों को जो है वो प्लास्टिक से कवर किया हुआ है। इसको मैंने अभी खोला है, वरना ये बिल्कुल पैक होते हैं। कराची में क्योंकि बारिश के बाद सर्दी जो है वो बढ़ चुकी है, तो आपको अब एहतियात जो है वो आपको बहुत ज़्यादा करनी होगी, वरना आपके जो परिंदे हैं ख़ासतौर पर फिंचेस और जो ऑस्ट्रेलियन परिंदे हैं वो जो हैं वो बीमार हो जाएंगे और सुस्त हो जाएंगे, या फिर उनकी डेथ हो सकती है अगर उनको डायरेक्ट हवा लगेगी। तो आपको जो है वो ये ऐसे प्लास्टिक से कवर करके ही सोना है। और भी मैं वीडियोस में आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या एहतियात करनी है और कैसे इसको रखना है। आप देख सकते हैं बिल्कुल मैंने पैक करा हुआ है ताकि बिल्कुल भी हवा ना लगे। इसमें जो है वो मेरी बीवी भी आई हुई है, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा और आपको बताऊँगा कि सर्दियों में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने नहीं करनी और कौन कौन सी चीज़ें जो आपने करनी है। सबसे पहली टिप और जो केयर आपने करनी है वो आपने सर्दी से ही इनको बचाना है। आपने अपने पिंजरों को जो है वो कवर कर देना है बिल्कुल पैक, क्योंकि सर्दियाँ आ चुकी हैं। तो अब जो है इनको आपने बिल्कुल कवर कर देना है, इनको हवा से बिल्कुल आपने बचाना है, वरना जो है ये बीमार हो जाएंगे, सुस्त हो जाएंगे और फिर डेथ हो जाएगी। लोग बोलते हैं कि भाई एकदम मर गए, बिल्कुल एक्टिव था तो वो हवा लगती है तो वो इसलिए वो डेथ हो जाती है इनकी। बजरीज और फिंचेस की आपने ज़्यादा केयर करनी होती है। लोग कपड़े ढाक देते हैं और समझते हैं कि कपड़े से वो जो है सर्दी जो है वो रुक जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपने प्लास्टिक ज़रूर डालनी है, उसके बाद आप कपड़ा डाल दें। और अब जो है मैं इनका दाना वाना जो है वो चेंज कर देता हूँ। मैं दाना इनको रोज़ाना इनका दाना फेंक के और नया दाना इनको देता हूँ। अभी मैंने आपके सामने ही प्लास्टिक हटाई थी और अब मैं इनका दाना चेंज करता हूँ। तो सबसे पहली केयर और टिप ये है कि आपने अपने पिंजरों को जो है वो प्लास्टिक से कवर कर देना है। दूसरा आपने जो है वो ये करना है कि पानी जो है वो रात में आपने निकाल देना है। पानी मैं बिल्कुल निकाल के सोता हूँ। रात में आप मगरिब के बाद पानी निकाल दें और सुबह जो है वो आप फ्रेश पानी दें इनको। रात में अगर ये ठंडा पानी हो जाएगा, वो अगर रात में पानी रात भर रखा रहेगा तो वो पानी जो है वो ठंडा हो जाएगा और बासी भी हो जाएगा, और सुबह वो पानी पियेंगे तो इनको नज़ला और बुखार और ये सब बीमारी हो सकती हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। तो आप सुबह जो है वो इनको फ्रेश पानी दें। मैं भी अभी आपके सामने अभी इनको फ्रेश पानी दूंगा। देखिएगा अभी मैं दाना दिया है और अब जो है मैं इनको पानी दूंगा। तो आपने दो काम सबसे पहले करने हैं, एक तो पहले आपने कवर करना है प्लास्टिक से, दूसरा आपने पानी जो है वो रात में निकाल के सुबह आपने रोज़ाना जो है वो फ्रेश पानी देना है। और इसमें जो है वो मेरी अभी ब्रीड भी आएगी, आप ये चेक कर सकते हैं। जो बच्चे हैं जो हैं वो बाहर भी आ चुके हैं मटकियों से, और कुछ जो हैं वो मटकियों के अंदर भी हैं। और आने वाली वीडियोस में मैं इनकी जो है वो ब्रीडिंग प्रोग्रेस भी दिखाऊंगा। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि वीडियोज़ आपको मिलती रहें, मेरी न्यू वीडियोज़। और अब बजरीज का भी जो है वो मैं दाना चेंज करके इसको चेंज करके इनको देता हूँ, और ये दाना जो है वो मैं फेंक देता हूँ और रोज़ाना जो है वो मैं न्यू दाना देता हूँ। ये तकरीबन सारे छिलके वगैरह ही होते हैं तो इनको जो है वो मैं खाली कर देता हूँ और न्यू दाना जो है वो मैं देता हूँ। अब जो मैं दे रहा हूँ इनको पानी देने जा रहा हूँ। सर्दियों में जो है ये मैं बोतल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, वरना आप अगर खुले उसमें पानी देंगी तो ये नहाना भी शुरू कर देती हैं उसमें, तो वो इनके लिए नुकसानदेह है। वैसे जो है वो मेरी ब्रीड आई हुई है तो इसलिए भी मैं इस्तेमाल ये कर रहा हूँ, क्योंकि वरना जो है वो अगर आप खुले बर्तन में पानी देंगे तो उसमें जो है वो बच्चा डूब के जो है वो मर जाता है। और एक तो ये भी वजह है जिसकी वजह से मैं बोतल इस्तेमाल कर रहा हूँ, और एक ये है कि सर्दियों में ये जो है वो पानी में नहाना शुरू कर देती हैं इनको। ये तो परिंदे हैं, आप अगर इनको पानी देंगे खुले में तो ये नहाना शुरू कर देंगे, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो। फिंचेस जो हैं वो नहाती ज़रूर हैं, तो इसलिए मैं जो है ये बोतल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और बोतल से ये जो इनकी आदत हुई भी है तो ये पानी इस्तेमाल कर लेती हैं। अब जो है मैं अपने मजलिस को भी पानी देता हूँ। रात में मैं इनका भी पानी निकाल दिया था तो ये भी अभी प्यासे होंगे, तो अब जो है मैं इनको पानी दे देता हूँ।
सर्दियां आ चुकी हैं तो अब आपने जो है वो बॉयल्ड एग का भी इस्तेमाल करना लाजमी है। इससे जो है इनकी ब्रीडिंग एक तो प्रोग्रेस भी जो है वो भी अच्छी होगी और इनकी हेल्थ भी अच्छी होगी, बीमार भी कम होंगे। और फिंचेस और बजीज दोनों जो हैं वो बॉयल एग शौक से खाते हैं और इनको आपने ऐसे मैश कर लेना अच्छी तरह और फिर जो है इनको आपने ये देना है। एक जो है आपने आप बॉयल एग, पालक का पत्ते और ये सब गर्म चीज़ें इस्तेमाल करनी है। ये सॉफ्ट फूड अगर आप यूज़ करेंगे तो आपकी ब्रीडिंग जो है वो भी अच्छी रहेगी, आपके बर्ड्स भी हेल्दी और एक्टिव रहेंगे। वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।